सिपाही से सीधे डीएसपी बनी बबली, गर्भवती होने के बाद भी करती रही मेहनत। इनकी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता ही है। सोशल मीडिया पर बिहार की महिला कांस्टेबल बबली की कहानी खबरों में है। बबली अब डीएसपी बनने जा रही हैं। बबली ने कांस्टेबल की नौकरी के साथ ही बीपीएससी परीक्षा की तैयारी की और तीसरे अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो गयी। बबली की 7 महीने की एक बेटी भी है। बेटी की देखभाल के साथ साथ नौकरी करना तथा पढ़ाई भी चालू रखना सरल नहीं था, लेकिन बबली ने साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। बता दें कि बबली ने बीए तक की पढ़ाई की है। उन्होंने वर्ष 2015 में कांस्टेबल के तौर पर पुलिस में नौकरी आरंभ की थी। हाल में उनकी तैनाती बेगूसराय जिले में पुलिस लाइन में थी। अब बीपीएससी क्लियर करने के पश्चात अब वो डीएसपी की ट्रेनिंग पर जाने वाली हैं। बबली की कामयाबी पर बेगूसराय एसपी योगेंद्र कुमार ने उन्हें सम्मानित किया। एसपी योगेंद्र कुमार ने कहा कि जिला बल की होनहार सिपाही ने ड्यूटी के पश्चात वक्त निकालकर न केवल अपना सपना साकार किया है, बल्कि उन्होंने सहकर्मियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी है। बबली बोलती हैं कि मेरे परिवार की आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी, इस कारण उन्होंने वर्ष 2015 में कांस्टेबल की नौकरी ज्वाइन कर ली थी, किंतु नौकरी के बाद पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, मेंस एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा था। ऐसे में इस बार मेंस की तैयारी के लिए पटना चली गई थी। परिवार वालों ने भी पूरा समर्थन किया। अब एग्जाम क्लियर कर बहुत अच्छा फील हो रहा है। बबली को यह कामयाबी तीसरे प्रयास में मिली है। गर्भवती रहने के दौरान ही बबली ने बहुत तैयारी की तथा मेंस क्लियर किया था। आज उन्हें 7 महीने की एक बच्ची है। अब वह ट्रेनिंग कर डीएसपी बनकर प्रदेश की सेवा करेंगी। बबली की इस कामयाबी पर सोशल मीडिया पर उन्हें लोग बधाई दे रहे हैं। तो बबली के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।